गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास, टुडे क्लास इज कंप्यूटर। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर में चैप्टर फोर। चैप्टर फोर है हमारा राइटिंग विद द वर्ड पैड। वर्ड पैड जो हमारा होता है उसको हम किस तरीके से राइटिंग करेंगे और डेस्कटॉप पे करते हैं और क्या होता है इसको आज हम पढ़ेंगे। तो वर्ड पैड के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। वर्ड पैड, वर्ड पैड हमारा क्या है, एमएस पेंट। वर्ड पैड इज ऑल्सो अ प्रोग्राम। जो वर्ड पैड होता है हमारा वो क्या होता है, प्रोग्राम होता है। ठीक है, हम ये देखेंगे which is provided with the Windows by the Microsoft। ये हमारा क्या करता है, जो ये हमें प्रोवाइड करता है विंडोज पे, ये हमारा जो होता है ये माइक्रोसॉफ्ट भी प्रोवाइड करता है। बट इट इज नॉट यूज फॉर मेकिंग ड्रॉइंग। लेकिन इसमें हम जो वर्डपैड हमारा होता है इसमें हम नोट्स वगैरह लिखते हैं, इसमें हमारे क्या है ड्रॉइंग नहीं कर सकते। ड्रॉइंग एरिया की तरह होता है बट इसमें हमारे क्या होता है, राइटिंग के लिए यूज होता है। It is used for writing letter, stories and poems or for making any types of notes। हमें बता रहा है इसमें हम क्या करते हैं, राइटिंग के लिए यूज करते हैं, जस्ट लाइक लेटर, स्टोरीज, पोयम एंड मेकिंग एनी टाइप्स, किसी भी टाइप्स का नोट्स वगैरह लिख सकते हैं या कोई डाटा बना सकते हैं, कुछ भी एनीथिंग। तो इसमें आप टाइपिंग के लिए या टेक्स्ट राइटिंग के लिए यूज करते हैं। इट्स हेल्प अस टू राइट beautifully and that too without making any mistake। So let's start with the word pad। यहाँ पे हम देखेंगे इसमें बोल रहा है it help us to write beautifully। इसमें क्या जो भी हम टेक्स लिखते हैं तो उसको हम बहुत अच्छे से उसको beautifully मतलब उसको जो वर्ड्स होते हैं उसको अच्छे से लिख सकते हैं, उसको अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, उसमें हम जो भी चाहें उस तरीके से टूल्स का यूज करके उसको अच्छा फॉर्मेट जो करके डेकोरेट करके अच्छे से फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक, कोई बिना मिस्टेक के। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं वर्ड पैड, कैसे हम इसको कंप्यूटर में स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड पैड। कैसे स्टार्ट करेंगे, टू स्टार्ट वर्ड पैड फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, क्लिक द स्टार्ट बटन। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा विंडो एरियाज होता है तो विंडो एरिया से आप देखेंगे कॉर्नर पे हमारा लेफ्ट साइड में क्या बना होता है, विंडो का बटन होता है। तो आप सबसे पहले उस पर क्लिक करेंगे, देन मूव टू प्रोग्राम्स। फिर उसके बाद आप जब उसे क्लिक करेंगे तो आपके प्रोग्राम्स खुल के आएंगे। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, पॉइंट ऑन द एक्सरसाइज। फिर उसके बाद आपके एक्सरसाइज पॉइंट में क्या आएगा वो आप उसे उसके बाद उस पर क्लिक करेंगे। देन उसकी क्लिक करने के बाद आपका जो एक बॉक्स आएगा होंगे उसमें सिलेक्ट आपका दिया होगा, सिलेक्ट वर्ड पैड बाय द क्लिकिंग ऑन इट। उसमें जब आपका जो बॉक्स खुल जाएगा उसमें वर्ड पैड लिखा होगा, तो उसमें आप वर्ड पैड अगर आपको टेक्स्ट लिखना है तो वर्ड पैड सिलेक्ट करेंगे, देन आपका वर्ड पैड स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा कि किस तरीके से हम वर्ड पैड स्टार्ट करते हैं डेस्कटॉप पे या सिस्टम पे, आप किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। ओके, अब इसके आगे हम देखेंगे कि वर्ड पैड में जो हमारा कैसे कैसे दिया होता है, क्या चीज होती है और वो डेस्कटॉप हमारे किस तरीके से शो होता है। तो यहाँ पे डेस्कटॉप की आप देखेंगे इमेज बनी हुई है, ये पूरा डेस्कटॉप का इमेज है। मैंने आपने यहाँ पे ये भी आइडेंटिफाई किया है जो हमारे डेस्कटॉप पे जो लाइंस बनी होती है, टूल्स बने होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, उसको मैंने यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई किया है। तो अभी पहले हम देखते हैं कि ये क्या है, तो उसके बाद मैं आपको ये डायग्राम समझाऊंगी। ओके, एंड हियर कम्स यू वर्ड पैड विंडोज। तो ये हमारा क्या है, वर्ड पैड विंडो है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो अबाउट वेरियस पार्ट ऑफ वर्ड पैड विंडोज। इसमें हमारे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं विंडोज में, वर्ड पैड का जो होता है वो बहुत सारे पार्ट होते हैं। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं, जस्ट लाइक पेंट इन दिस विंडो ऑल्सो वी हैव अ टाइटल बार एंड अ मेन्यू बार विद डिफरेंट ऑप्शन इन दैम। इट मीन्स कहना होता है जस्ट लाइक पेंट, जैसे हमारा पेंट होता है, हम खोलते जब पेंट का जैसे आप ड्रॉइंग वगैरह करते हैं जो पेंट खोलते हैं उसमें क्या होता है कि विंडोज में हमारा टाइटल बार होता है, मेन्यू बार होता है, होता है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, जो डेस्कटॉप बना है इसमें टाइटल बार मेन्यू बार दिया है। बट डिफरेंट ऑप्शन इन दैम, जो हमारा वर्ड पैड होता है उसमें क्या होता है कि डिफरेंट ऑप्शन होता है, जो हमारा पेंट का होता है टाइटल बार और मेन्यू बार, तो जो वर्ड पैड में हमारा उससे डिफरेंट होता है, इन दोनों में डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। ओके, फिर इसके बाद आप देखेंगे अंडर द मेन्यू बार, जो हमारा मेन्यू बार होता है उसमें अंडर द मेन्यू बार देयर इज अ टूल बार
विद द डिफरेंट बटन्स ऑन इट। अब देखेंगे यहाँ पे कि जो हमारे ये दिया हुआ है मेन्यू बार और उसके बाद हमारा क्या दिया टूल बार, तो इसमें क्या है अलग अलग डिफरेंट यहाँ पे दिए हुए हैं बटन्स दिए हुए हैं। यहाँ पे देखेंगे आप बटन शो हो रहा है आपका, तो ये हमारा क्या है मेन्यू बार और ये टूल बार। मेन्यू बार जो हमारे होते हैं डेस्कटॉप पे बना होता है जैसे फाइलिंग एडिटिंग व्यूज हेल्प फॉर्मेट, तो ये हमारे क्या होते हैं मेन्यू बार्स होते हैं। उसके अलावा टूल्स बार देखेंगे तो जो यहाँ पे आपके टूल्स बार होते हैं यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे आपके जैसे बोल्ड करने का नंबरिंग जो हमारा फॉन्ट होता है उसमें नंबर बढ़ाना होता है या फिर उसे बोल्ड करना होता है अंडरलाइन करना होता है जस्टिफाई करना होता है, तो ये सारे हमारे टूल्स बार में आते हैं। ओके ये हमारे क्या है इसके साथ ये बताया कि विद डिफरेंट बटन्स ऑन इट एंड ईच हैज अ डिफरेंट वर्क टू हेल्प अस इन वर्किंग नाइस डॉक्यूमेंट्स। और ये सारे क्या होते हैं कि जो भी हम डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं या कोई भी हम टेक्स्ट बना रहे हैं या लेटर लिख रहे हैं या स्टोरी लिख रहे हैं तो उसको अच्छे से डेकोरेट करने के नाइस डॉक्यूमेंट मतलब अच्छा सा उसे बना सकते हैं अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इस टूल्स का यूज करेंगे। ओके देन अब उसके बाद आपका है रूलर। रूलर वी यूज रूलर टू सेट द विड्थ ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। आप देखिए जो हमारा डॉक्यूमेंट्स होता है उसके टेक्स्ट आप लिखते हैं टेक्स्ट उससे क्या होगा कि हमें क्या होता है कि किस तरीके से रूलर मतलब साइड में लिखना है या बीच में आपके मतलब जो इक्वल जो स्टार्टिंग जो होता है हमारा वो इक्वल किस तरीके से, तो हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे तो वो हमारे जो रूलर होता है ये रूलर यूज किया जाता है कि किस तरीके से हमारे सिक्वेंस में टेक्स्ट लिखा जाए। ओके तो हमारा रूलर किससे यूज होता है सेट विड्थ जो हमारे विड्थ होते हैं उसको सेटिंग करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को उसमें सेटिंग करने के लिए। ओके तो ये हमारा रूलर था। तो इसके बाद देखिए वी कैन टाइप इन द वर्किंग एरिया स्टडी फॉर्म द करंट कर्सर पोजीशंस। ये करंट कर्सर पोजीशन जब भी हम टेक्स्ट लिखते हैं तो उसमें क्या होता है कि पहले हमारा जो क्या था कर्सर आता है आप देखेंगे ऐसे लाइनिंग बनी होती है यहाँ से स्टार्ट होता है तो वहां से हम क्या करते हैं कर्सर जहाँ बना था वहीं से हम टाइप करना स्टार्ट करते हैं। हम ऊपर यहाँ पे जो होता है पूरा जो हमारा टेक्स्ट का एरिया होता है उसमें हम काम करते हैं जो लेफ्ट साइड होता है वहां से स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे हमारा क्या है कर्सर पॉइंट रहता है यहाँ से हम अपना टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैंने टाइटल बार क्योंकि हमारा क्या होता है ऊपर ये टाइटल बार होता है फिर उसके बाद जो नीचे हमारे बॉक्स वगैरह होते हैं नंबरिंग वगैरह और डॉक्यूमेंट्स बोल्ड करना ये टूल बार उसको टूल बार हो गया। फिर उसके बाद हमारे क्या है यहाँ पे देखेंगे नंबरिंग जो है जो हमारे डॉक्यूमेंट्स को टैक्स वगैरह को क्या होता है विड्थ जो देते हैं विड्थ बनाने के लिए होता है रूलर्स का यूज होता है। फिर उसके बाद हमारी मेन्यू बार से फाइल का हो गया व्यूज का हो गया फॉर्मेट हो गया तो ये हमारे मेन्यू बार्स हैं और ये हमारे कर्सर जहाँ से हम टैक्स लिखना स्टार्ट करते हैं और ये हमारा वर्क एरिया जहाँ पे हम पूरा टैक्स अपना टाइप करते हैं। और नीचे है स्टेटस बार जो यहाँ पे हमारा पेजेस रहता है इसमें स्टेटस दिखाता है आपने कितने वर्ड्स लिखे हैं कौन से लैंग्वेज में लिखा है और उसे जूम आउट वगैरह करने के लिए ये हमारे इसमें होता है स्टेटस बार होता है। ओके तो ये हमारा डायग्राम था किस तरीके से वर्डपैड का डायग्राम होता है और किस तरीके से हम वर्डपैड पे वर्क करते हैं। ओके प्लस आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है इसको होमवर्क में अच्छे से रिवाइज करना है और अगर आपके घर में कंप्यूटर या लैपटॉप हो तो उस पर इसको प्रैक्टिस करनी है। ओके थैंक यू।